किशनगंज पहुंचे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। मांझी ने कहा कि शेरशाह वादियों ने दलितों की जमीन पर कब्जा किया था। मांझी यही नहीं रुके, उन्होंने शेरशाह वादियों को विदेशी बता दिया। मांझी ने कहा कि जिस जमीन पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का अधिकार है उस पर शेरशाह वादी समुदाय ने कब्जा कर लिया है। शेरशाह वादी समुदाय के लोगों को गलत तरीके से जमीन पर आशियाना बना लिया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो 15 दिन के अंदर बताए कि कितने जमीन की बंदोबस्ती हुई है। गांव-गांव नहीं जा सकते हैं, लेकिन कुछ सवालात आए हैं उसको उन लोगों को इंडिकेट किया है कि आप बताइए कि यहाँ कितनी ज़मीन वैसी है जिसको कि बंदोबस्त किया जा सकता है, वो तीनों प्रकार की ज़मीन, और कितने ज़मीन ऐसे हैं जिनको आप बंदोबस्त किया है और दूसरे लोग को भी उसका रसीद काट दिए हैं और वो कब्जा में हैं, डिस्पजेस्ट कर दिए हैं हमारे शेड्यूल कास्ट और सील टाइप्स के, उसका भी हमको डाटा बताइए, ये पूछा है। वो 15 दिन के अंदर देंगे, उसका रिपोर्ट हम लोग विधानसभा में देंगे, लेकिन इस प्रकार की खामियाँ हमको मिली है।